मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कोरोना संक्रमण के बाद अब डेंगू के बढ़ते प्रकोप ने स्वास्थ्य विभाग सहित प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। इसी के चलते बुधवार की सुबह कलेक्टर मनीष सिंह डीआईजी और निगमायुक्त मालवा मिले स्थित पतरे की चाल पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से चर्चा कर साफ सफाई और गंदे पानी को इकट्ठा न होने की समझाइश दी। मध्य प्रदेश में कोरोना के बाद तेजी से फैलती मौसमी बीमारी डेंगू को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 15 सितंबर को जनप्रतिनिधि और प्रशासन से जन जागरूकता अभियान चलाने का आह्वान किए थे। सीएम शिवराज की अपील पर इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह, नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल, डीआईजी मनीष कपूरिया बुधवार की सुबह मालवा मिल चौराहे स्थित पतरे की चाल में पहुंचे, जहां उन्होंने डेंगू जैसी गंभीर बीमारी को लेकर स्थानीय लोगों से चर्चा की, साथ ही घर के आसपास साफ सफाई और जल भराव नहीं होने देने की अपील की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 तारीख को सभी प्रदेशवासियों से आह्वान किया है, शहरी और नगरीय ग्रामीण क्षेत्रों के, कि कुछ समय निकाल करके अपने घरों में ये देख लें कि कहीं कोई ताज़ा पानी एकत्रित तो नहीं हो रहा है। 7 दिन तक अगर ताज़ा पानी एकत्रित रहता है तो उसमें डेंगू के लार्वा पनपते हैं, और डेंगू का लार्वा सुबह 10-11 बजे तक ही इफेक्टिव रहता है, 2-3 फीट हाइट तक जाता है वो, और एक स्थान से वो अधिकतम 400 मीटर तक जा सकता है वो। उसके हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से हम लोग प्रिकॉशंस लेने का सभी जनता को बोलते हैं, सभी रहवासियों को बोलते हैं। तो डेंगू की ऐसी बीमारी है कि अगर जागरूकता है, हर व्यक्ति अपने घर में ध्यान से ये देख ले कि स्वच्छ वाटर, क्लियर वाटर इकट्ठा ना हो, तो उससे डेंगू उस घर में नहीं होगा, ये भी गारंटी रहती है। तो डेंगू में जागरूकता बहुत आवश्यक है। डेंगू हो जाने पर फिर जैसा कि वायरस की दवाइयाँ कुछ नहीं रहती हैं, फिर लिक्विड लेना, जूस पीना, पानी पीना, नारियल पानी पीना या सूप पीना ये रहता है, या कि फिर जो सिम्टोमेटिक दवाइयाँ रहती हैं, पैरासिटामोल वगैरह, वो दी जाती हैं। किंतु कई बॉडी में डेंगू भी, जैसे कोविड कई लोगों में बड़ा निगेटिवली इफेक्ट करता है, वैसे डेंगू भी इफेक्ट करता है और इसमें फैटल भी रहता है डेंगू। कई मामलों में डेंगू कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए इसकी जागरूकता बहुत आवश्यक है लोगों में। इंदौर में चूँकि 40 से 45 लाख की आबादी है, किंतु फिर भी मैं बोलूँगा कि यहाँ के लोग जागरूक हैं। अभी हम लोग यहाँ स्लम बस्ती में पतरे की चाल, जो मालवा मिल चौराहे से पाटनीपुरा चौराहे आते हैं तो बाएं तरफ पड़ती है, मिल की भूमि पे यहाँ आए हैं। यहाँ की बच्चियाँ, यहाँ के बच्चे, यहाँ की महिलाएं बहुत जागरूक हैं, क्योंकि महिलाओं की, बच्चों की जागरूकता सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहती है हर परिवार में। और सबको मालूम था, आइडिया था कि डेंगू से बचाव के घर में क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, सबने रखा भी था, खुशी की बात है ये। और जब इस तरह के क्षेत्र में ऐसी जागरूकता है तो स्पष्ट है कि बाकी जगह भी जागरूकता होगी, पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है लोगों घर में, क्योंकि हमें जागरूकता होने के बाद भी अगर हम घर में खुद ध्यान नहीं देंगे या देखेंगे नहीं या चेक नहीं करेंगे तो कोई ना कोई गलती रह जाती है, त्रुटि रह जाती है, जिससे कि डेंगू का लार्वा पनप सकता है। तो उसकी सावधानी हमको बरतनी है, क्योंकि अब जब बरसात ख़त्म होगी और उसके बाद जो पानी भरा हुआ रहेगा, क्लियर वाटर, उससे डेंगू का एक प्रकोप और आएगा। अभी भी डेंगू है किंतु फिर एक प्रकोप आएगा, इसलिए बचने के लिए जागरूकता के तहत अगर लोग अभी से दृढ़ संकल्पित हो जाएंगे तो ये नहीं होगा। मैं शुभकामना देता हूं पतरे की चाल के सभी रहवासियों को। आज से जो 10 दिनों की ड्राइव है वो बेसिकली इस चीज़ पे कॉन्सनट्रेट की गई है कि सभी बस्ती क्षेत्रों को इसमें आइडेंटिफाई किया है जोन स्तर पर, और अगले 10 दिनों तक चूंकि डेंगू के केसेस अपने यहाँ थोड़े निकले हैं, इसके अलावा ये समय भी ऐसा है जिस समय डेंगू का जो फ्लो रहता है, इसी को ध्यान में रखते हुए ड्राइव पूरी प्लान की गई है। आज सभी जनप्रतिनिधियों ने, सांसद जी, सभी विधायकगण अपने अपने क्षेत्र की बस्तियों में गए हैं, सभी जो पूर्व पार्षद हैं वो अपनी बस्तियों में इन कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं। इसका उद्देश्य ये है कि डेंगू से बचाव का जो सबसे बेहतर उपाय है वो लोगों की जागरूकता है। सभी लोग इस बात से परिचित रहें कि घर में कोई रुका हुआ पानी ना रहे, या पानी भर के बहुत दिनों तक हम लोग ना छोड़ दें, कूलर या टायर्स या पुराने टूटे फूटे बर्तन या इस प्रकार की अन्य चीज़ें हैं जो अनुपयोगी हैं और जिनमें पानी भरता है, जिनमें लार्वा पनपते हैं, उनके बारे में लोगों को बताया जा सके। नगर निगम की पूरे स्वास्थ्य का अमला, ड्रेनेज का अमला, इसके अतिरिक्त विद्युत, पीएचई, ये सभी अमले एक साथ इन बस्तियों में ये गतिविधियों में भाग ले रहे हैं, इनमें कार्रवाई कर रहे हैं। आने वाले समय में भी ये लगातार बस्तियों में ये कार्रवाई चलती रहेगी। उद्देश्य यही है कि जो फॉगिंग है, चाहे वो क्रूड ऑयल का छिड़काव हो, ये सभी चीज़ें भी जहाँ पानी भरा रहता है या जल जमाव की शिकायतें हैं, पॉइंट्स हैं, इन सभी बस्तियों में हम लोग इनको टाइमली टैकल करें ताकि आगे चलकर ये लार्वा डेवलप होकर किसी को इस बीमारी से ग्रसित ना करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, शासन का ये अभियान है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया है कि इसको कोविड मुक्त तो किया गया है, अब पूरी तरह से हमें अन्य बीमारियाँ, जो डेंगू और अन्य बीमारी जो फैल रही है, उस पर
कारगर प्रतिबंध लगाना है। इसी क्रम में आज कलेक्टर साहब, कमिश्नर नगर निगम, मैं यहाँ आकर के इस अपनी एनटीसी की जो ये कॉलोनी है, यहाँ एक तो जागरूकता का सभी लोगों में संदेश भेजना है और साथ में जो इसके प्रिवेंटिव मेज़र्स हैं उसके संबंध में भी सबको अवगत कराना, और ये भी देखना हमारा उद्देश्य था कि ये प्रॉपरली हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हर्ष का ये विषय है कि सभी लोग यहाँ पे जागरूक हैं, मतलब छोटे बच्चे और बुज़ुर्ग तक इस बात से अवगत हैं कि ये डेंगू किस प्रकार फैल रहा है और उसके प्रिवेंशन के क्या साधन उपलब्ध हैं, मतलब प्लेटलेट्स कैसे गिर जाते हैं, उनको रिवैम्प करने के लिए क्या उपयोग देसी दवाइयाँ और इवन जो मॉडर्न मेडिसिन है कौन कौन सी उपयोग में लाते हैं। तो बहुत ही हर्ष का विषय है और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि इतने जागरूक लोग हैं तो हम इस बस्ती में डेंगू तो एटलीस्ट नहीं फैलने देंगे, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें अलर्ट रहना है और ये संदेश यदि लोगों के पास है तो वो भी प्रचार का माध्यम बने, स्वयं भी लोगों को अवगत कराएं, जागरूक करें ताकि इंदौर को हम डेंगू मुक्त कर सकें।